मुंगेर में हथियारबंद अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारकर की हत्या। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस। घटनास्थल से कई खोखा किया बरामद। हत्या के कारण स्टैंड विवाद बताया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच। दरअसल मुंगेर के NH 80 पर स्थित बड़ियारपुर बाजार फिलिप हाई स्कूल के समीप जिला परिषद स्टैंड पर हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर दो लोगों की हत्या कर दी। थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर हत्या करने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इधर फायरिंग के कारण बाजार में भगदड़ मच गई और आम लोगों के साथ ही दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर इधर उधर भागने लगे, जबकि NH 80 पर वाहनों का परिचालन बिल्कुल ठप हो गया। मृतक की पहचान गांधीपुर निवासी पंकज कुमार मंडल एवं रंजन सिंह के रूप में हुई है। हत्या का कारण स्टैंड विवाद बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मंगलवार को किसी ने फोन कर गांधीपुर निवासी शिवदानी मंडल के पुत्र पंकज कुमार मंडल को जिला परिषद स्टैंड बुलाया। पंकज अपने ग्रामीण मित्र स्वर्गीय दिलीप सिंह के पुत्र रंजन सिंह के साथ मोटरसाइकिल से स्टैंड पहुंचा, जहां झोपड़ी में बैठकर सभी लोग बातचीत कर रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने पंकज कुमार मंडल के सिर में गोली मार दिया। रंजन भागने लगा तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दिया। गोली उसके गर्दन में लगी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद तीन मोटरसाइकिल पर सवार होकर सभी अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। मृतक पंकज कुमार मंडल RPF रंजन सिंह CRPF की नौकरी छोड़कर गांव में ही रहता था। इधर फायरिंग के कारण बाजार में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि NH 80 पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। दुकानदार दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बड़ियारपुर थाना की पुलिस दौड़कर घटनास्थल पर पहुंची, जहां कई खोखा पुलिस ने बरामद किया है। दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में SP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि बड़ियारपुर जिला परिषद स्टैंड में अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सदर SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जो हथियारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कोई दुश्मनी किसी से हमको दुश्मनी पर्सन भाई को मंडल को दुश्मनी मंडल को दुश्मनी था उसके चक्कर में मारा गया। उसको बुलाया कल से हमको ये भी पता नहीं, हमको कोई मीटर जानते नहीं लोग क्या होता है न्याय करता, हमको कोई जानकारी। हम खुद LOT पुलिस विभाग में जॉब करते हैं, भागलपुर में पोस्टेड है। हम आज ड्यूटी करके छुट्टी लेके आए, घर मकान बना रहे हैं, सीधी ढलैया है, कल ढलैया कराएंगे। अरे वाह, तो कैसे हुआ सामने, हमको कुछ पता नहीं। ड्यूटी आए, कपड़ा खोले, दोनों बच्चा को लेकर नया घर पे गए देखने के लिए, तो दम सब बुलक गोली लग गया। कहाँ पे घटना घटी, गोली कहाँ निकले, कहाँ गोली, स्टैंड में लगा, गोली लग गया। अभी हम कुछ नहीं बताए, हम नहीं देखे नजर से, वो देखे हम नहीं देखे। क्या नाम हुआ, चंदन? हम बात नहीं बोल सकता है। आज जो क्या हुआ आज की घटना, हम यही देखे कि गोली मारते हुए सब मोटरसाइकिल से भागा था। तब उसने देखे सब ऑफिसर से जैसे तिलो मंडल खुद रह के गोली चलाने का काम किया। उस समय तक हमने जाने से भाई पर ही गोली चला, दुकान थपड़ लॉक भी नहीं किए, हम अपना दुकान को बंद किए। थाना मोड़ से दो आदमी को और मारने के लिए चाहा था, दो आदमी भागा, उसके आदमी थाना मोड़ से भी दो तीन आदमी भाग सामान तानते हुए, सामान तानते हुए तीन आदमी भागा इधर थप्पड़ हम रोड पे खड़ा है। उधर से आदमी जो स्टैंड में है उधर से तीन कौड़ी दे रहा है, हम चकित हो गए। सबके हाथ में सामान है, ले सर, टोटल आदमी ले सर। कितना बाइक वाला देखे, क्या कितना बाइक से कितना, चार बाइक सब सब पर तीन तीन लोडिंग था। तीन तीन आदमी जो भागा है बल्ब के उठने, तीन आदमी का हाथ में सामान तलने में भागा हुआ है। इसके बाद हम इतने सब जो जाने क्या किया क्यों ये हम ये इतना हम जा रहे हैं कि मेरा भाई को मारने में ये लोग क्या चीज से मारा गोली दे रहा है। तब हम अल्लाह के रंजन को मार दिया गोली, तब हम दुकान से दौड़ते दौड़े को भागा, हे माला जोड़े माला जोड़ा भागा भागा। तो हम देखते हैं भाई अपने की नाम बोले, हमारे नाम बोले पंकज कुमार सिंह। उनको जो गोली मारा उनको वो मारा तो दोनों का इतने साथ में था, दोनों का तो वही था। किसको किसको लगी गोली? पंकज मंडल को मारा स्टैंड में अंदर में झोपड़ी में स्पॉटेड। भाई जो भागा होगा ये आके आपका ठीक जो जिला परिषद का स्टैंड में बनाया है, जिला परिषद के स्टैंड में कांग्रेस में काम किया, यही जिला आपका सिंह के आदर्श वही कोना पर मेरा भाई गिरा हुआ स्पॉटेड मिला। हम ताले रंजन हुआ भाई गोली मार, ये लोग सब मोटरसाइकिल कर दे भाग गया। हाँ जी,
ये क्या स्कूल के बगल में स्टैंड बनना न्याय है कि अन्याय है? यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगी और यहाँ नहीं मोदी सरकार। यह मुकेश साहू जब जिला परिषद है उस समय भी जिला स्टैंड बनने का स्वीकृति नहीं दिए थे। यह स्टैंड लेके बरियारपुर में हत्या ही हत्या हुआ, एक हत्या ही पचास हत्या हुआ और फिर हत्या का जो लड़का खाने कमाने वाला लड़का अब पूछे पूरे बरियारपुर में। मेरे भाई मेरे बाबू जी साथ आई है, सातों आदमी पर लिखते सातों भाई आपके लिखते हैं। इस घटना के पीछे भी स्टैंड विवाद है क्या पंकज जी? ये इस घटना के पीछे भी स्टैंड विवाद है क्या? स्टैंड वैसे जो बड़ा पर लेने ने था पंकज बुलाया और पंकज मंडल के साथ में था। अब क्या विवाद था गया पंकज मंडल को गोली मारा काम कर रहे हो यही बात किसको भी ठोक दिया। कौन मारा है कौन लोग क्रिया पूरे बजा तक लिया दिलों में दे रहा था कौन पड़ा हमारा तुझे होता है पर इनके तो मारेंगे तो आप इनके परिजन हैं क्या? हम परिजन हैं समाज से भी हैं पंचायत से भी सेवक हैं पंचायत समिति से लड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह। अच्छा चलिए ये कोतवाली थाने पर ओडिस लिख गया था प्राप्त हुई थी ग्राउंड पेशेंट आए हैं दो डेथ कर गए हैं गोली लगी हुई है सूचना पर आकर हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। कहाँ पे गोली लगी है कौन सी परियात्र के हैं रंजन जी और एक अन्य निरंजन सिंह इन्हीं लोग की मृत्यु हो चुकी है कानूनी प्रक्रिया को चलाते हुए बंकज में। तो यहाँ पे अस्पताल में सर माहौल जो शांत है ठीक है हम लोग हैं अलग अलग हैं बाकी हम लोग परिजनों के सहयोग से इन्हीं बातों को रखकर आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा पुलिस बल की तैनाती की गई है जी हैं हम लोग। थैंक यू सर।